हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर रेडीमेड लुक में ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 10 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए, यानी कि 10 के मल्टीपल में फंदे लेके मैंने 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए। जैसे 10 10 10 लास्ट में मेरे ऐसे 2 फंदे बचे, इस तरह से मैंने फंदे डाल के इस डिज़ाइन को बनाया है। बनने के बाद फ्रेंड्स, यह डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है, बनाने में आसान और बिल्कुल सॉफ्ट बन के आया है। तो इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए फ्रेंड्स, फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर किसी में भी डालिए, डालने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। डिज़ाइन बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ बॉर्डर बनाने के बाद 2 सिलाई हम बेसिक बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाएंगे। बेसिक 2 सिलाई बनानी है, 2 बनाने के बाद वो हमें आगे रिपीट नहीं करनी। तो ये 2 सिलाई में बेसिक आपको थोड़े से कम फंदों में डाल के बताऊंगी कि ये 2 बेसिक सिलाई हम किस तरह से बनाएंगे। ये यहाँ पर मैंने 10 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर 20 फंदे लेके 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए, मैंने यहाँ पर टोटल 22 फंदे लिए। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब 2 फंदों को हम इकट्ठा एक बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ऐसे 2 का एक करेंगे इस तरह से, 2 का एक किया। इन फंदों को हम उतारेंगे नहीं, जो फर्स्ट फंदा है इस डिज़ाइन को हम थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे, टाइट नहीं बनाएंगे, टाइट में इसमें डिज़ाइन दिखाई नहीं देगा। तो 2 फंदों का एक किया, अब जो पहला फंदा है इसमें से एक बार फिर से बुना, तो अब दोनों फंदों को हम उतार देंगे। फिर से हम अगले इस तरह से 2 फंदों को इकट्ठा बनाएंगे, पहले सीधा बनाएंगे और इकट्ठा बनाएंगे, और अब जो ये फर्स्ट वाला फंदा है इसमें से एक बार फिर से फंदा बनाएंगे। ये हमारी बेसिक रो है, ये 2 बेसिक रो हम एक बार बनाएंगे, बार बार नहीं रिपीट करेंगे। फिर से पहले वाले फंदे में इस तरह से बनाएंगे, फिर से अगले 2 फंदे लेंगे हम, 2 का एक करेंगे। अब जो ये फर्स्ट फंदा है, दोबारा से एक बार फिर से इस फर्स्ट फंदे में एक बार फिर से सीधा फंदा बनाएंगे। फिर से अगले 2 फंदे हम इकट्ठे बनाएंगे इस तरह से, इसे उतारेंगे नहीं, जो फर्स्ट फंदा है इसे हम एक फंदा फिर से बनाएंगे। इस तरह से हम ये बेसिक वाली सिलाई पहली सीधी साइड से बुनकर पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। दो का सीधा एक बनाया और इन फंदों को, पूरे डिज़ाइन को हम थोड़ा सा लूज ही बनाएंगे, इस डिज़ाइन को हम टाइट हाथ से नहीं बनाएंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लूज बनाते जाएंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह से दिखाई देगा। 2 का एक किया इस तरह से, फिर से हम जो अगला फंदा है इसमें से एक बार फिर से बनाएंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, जो पहला फंदा है इसमें से फिर से एक बार फिर से बनाएंगे, लास्ट के स्टिच फंदे को सीधा ही बुन लेंगे। ये मैंने पहली सिलाई बेसिक वाली बनाकर कंप्लीट की है। अब आ गई हैं इसकी उल्टी सिलाई बेसिक वाली और दूसरी सिलाई की तरफ। अब हम सभी फंदों को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने 2 सिलाई बेसिक की एक बार बनानी है, बार बार नहीं रिपीट करेंगे इन्हें। ये
दूसरी सिलाई उल्टी साइड से बेसिक की मैंने उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली। इस तरह से हम ये दो सिलाई बेसिक की बनाने के बाद आप मानिए कि अब हमारी ये इस पैटर्न में डिज़ाइन की जैसे मैंने दो सिलाई यहाँ पर बेसिक की बनाई है वो आपको बता दी है। अब यहाँ से मानिए डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई है, तो मानिए चलिए तो हम जैसे मैंने यहाँ से दो सिलाई डालने के बाद डिज़ाइन बनाया था ऐसे ही मैं आपको यहाँ से बना कर बताऊँगी कि ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से फाउंडेशन रो बनाने के बाद यहाँ से हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब आगे से हम चार बार इस तरह से बनाएंगे, दो का एक, फिर से हम जो अगला फंदा है इसको बनाएंगे, एक बार ये, दो बार ये, यहाँ पर तीन बार, फिर यहाँ पर चार बार। ये मैंने चार टाइम यहाँ पर, अब की बार ये फंदे हमारे जैसे यहाँ से इस तरफ थे तो इस तरफ जाएंगे। अब हम चार बार हमने इस तरह से बना है तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम ये फंदे हम इस साइड में करेंगे, तो किस तरह से इस फंदे को लेंगे और पलट लेंगे। अब जो पिछले वाला फंदा सेकंड वाला, पहले हम इसको बुनेंगे और अब हम दोनों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये वाला डिज़ाइन हमारा इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। तो ध्यान से देखिए, फिर से हम फोर टाइम ऐसे ही आगे से दो का एक करेंगे, दो का एक, फिर फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, एक बार ये इस तरह से, दो बार यहाँ से, तीन बार और ये चार बार। चार बार बनाने के बाद फिर से हम इस फंदे को लेंगे और पलट लेंगे। अब इन दो फंदों को बनाएंगे लेकिन बैक लूप से पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा सीधा फंदा लूज बनाएंगे। फिर से हम फोर टाइम ऐसे ही बनाएंगे, दो का एक, आगे से एक फंदे को एक बार, फिर से एक बार, ये हम दो बार, ये तीन बार और ये चार बार। अब फिर से इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर लेंगे। अब दो फंदों का एक तो बनाएंगे लेकिन पहले बैक लूप से एक फंदा सीधा और दो का एक इस तरह से बुन लें। फिर से हम चार बार ऐसे ही बनाएंगे, दो का एक उतारेंगे नहीं, पहले फंदे में से ऐसे सीधा बनाएंगे, एक बार, फिर से दो का एक, पहले फंदे में से दोबारा से फिर से सीधा फंदा दो बार, ये हमारा तीन बार और ये चार बार। अब दो फंदे हैं ये, इन्हें लास्ट के सीधा ही बना लेंगे। ये हमारी फाउंडेशन रो यहाँ से दो बनाने के बाद जो मैंने दिखाई थी आपको कम फंदों पे, उसके बाद ये मेरी यहाँ से डिज़ाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब आ गई है इसकी उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई फ्रेंड्स, हम इस डिज़ाइन में सभी उल्टी सिलाइयाँ उल्टी ही बना के कम्प्लीट करेंगे। पूरे डिज़ाइन में हम सभी उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ गए हैं तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। इसे आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब हम दूसरे वाले फंदे को पलट के ऐसे कर लेंगे। अब बैक लूप से हम इस तरह से पहले दूसरे फंदे को बनाएंगे, अब दोनों फंदों को इकट्ठा बना लेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने चार टाइम बनाए थे अब की बार आगे से हम तीन टाइम बनाएंगे, दो का एक, अब पहले वाला फंदा बनाएंगे, एक बार ये,
दो बार और ये तीन बार आगे से बनाया फंदे को लेंगे और पलट लेंगे और फिर से हम सेकंड वाले फंदे को बैक लूप से बनाएंगे और अब दोनों को इकट्ठा सीधा बनाएंगे। पहले स्टिच फंदे को छोड़ के फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। अब हम फिर से क्या करेंगे, फंदे को लेंगे और पलट लेंगे। पहले सेकंड फंदे को हम ऐसे बैक लूप से बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को इकट्ठा लूज हाथ से सीधा बनाएंगे। अब फिर से हम तीन बार ऐसे आगे से बनाएंगे सिलाई डाल के, फिर फर्स्ट फंदे को बनाएंगे एक बार, ये यहाँ पर दो बार, फिर से आगे से इकट्ठा और फर्स्ट फंदे में से तीन बार, फिर से हम ऐसे फंदे को लेंगे और पलट लेंगे। बैक लूप से सेकंड फंदे को बनाएंगे, अब इकट्ठे दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, फिर से एक बार, फिर से यानी कि बैक लूप से दो टाइम बनाएंगे और फ्रंट लूप से हम तीन टाइम बनाएंगे। अब फिर से हम तीन टाइम बनाएंगे आगे से एक बार, फिर से दोनों इकट्ठे फंदे बनाएंगे ये दो बार, फिर से हम आगे से तीन बार, फिर से आगे दो बार फंदा पलट के बनाएंगे। पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बनाएंगे एक बार, फिर से फंदा पलटेंगे बैक लूप से सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बनाएंगे। फिर से यहाँ आगे से हम तीन टाइम हम फ्रंट लूप से दो का एक करके और फ्रंट फंदे को फिर से बनाएंगे, फर्स्ट फंदे को एक बार, ये दो बार और ये तीन बार, फिर बचे मेरे पास तीन फंदे। एक टाइम हम ऐसे बैक लूप से फंदे को पलट के सेकंड फंदे को बनाएंगे, अब दोनों फंदों को इकट्ठा सीधा बनाएंगे, लास्ट के स्टिच फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तीसरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ सिलाई को हम पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी ही, पांचवी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ ध्यान से देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस फंदे को लेंगे और पलट लेंगे, पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे इस तरह से। हमने आगे से तीन टाइम बनाया था, अब की बार हम ऐसे दो टाइम बनाएंगे। फ्रंट लूप से हम दो फंदों का इकट्ठा, पहली सिलाई में हमने दो तीन टाइम बनाया था, अब की बार दो टाइम बनाएंगे एक बार और ये दो बार, दो रो हम इस साइड में बनाएंगे और तीन रो हम इस साइड में बनाएंगे। तो तीन रो हम ऐसे करके पलट लेंगे, पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, पहले दो रो बनाई थी, अब की बार हम तीन बार बनाएंगे, एक बार सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे दो बार, फिर से इसे पलट लेंगे, पहले सेकंड फंदे को और फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बनाएंगे तीन बार। अब फिर से हम दो टाइम यानी कि दो रोइए इस तरह से इस साइड में जाएंगी तो हमारी, हम आगे से दो टाइम हम दो का एक करेंगे पहले, फिर फर्स्ट फंदे को ऐसे करेंगे, फिर से दो बार दो फंदों का एक, फर्स्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे दो टाइम, और फिर से हम तीन टाइम
तीन रो हम इस तरह से जाएंगी, पहले दो थी अब की बार हमारी तीन रो, ये इस तरह से जाएंगी, ये इस तरह से जाएंगे और ये इस तरह से जाएंगे। तो बैक लूप से हम तीन टाइम ऐसे दो फंदों का एक करेंगे, पहले फंदे को पलटेंगे सीधा करेंगे, अब सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा करेंगे दो टाइम, फिर से सेकंड फंदे को हम पहले फंदे को पलट लेंगे सीधा करेंगे, सेकंड फंदे में से बैक लूप से सीधा बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बनाएंगे तीन टाइम, फिर से दो टाइम हम यानी कि दो रो सीधी बनाएंगे फ्रंट लूप से, दो का एक फ्रंट पहले फंदे में से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक, फिर पहले फंदे से सीधा फंदा दो टाइम, फिर से तीन टाइम करेंगे, फंदे को पलटेंगे और सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा बैक लूप से बनाएंगे एक बार, फिर से पलटेंगे, पहले सेकंड फंदे को सीधा बनाएंगे बैक लूप से, फिर दोनों फंदों को ऐसे इकट्ठा बुन लेंगे दो बार, फिर से पलटेंगे, सेकंड फंदे को पहले बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को हम इकट्ठा बुन लेंगे तीन बार। अब दो रो हम जो इस साइड में जाएंगी उन्हें फ्रंट लूप से दो का एक, फिर फर्स्ट फंदे को, फिर से दो का एक, फिर से फर्स्ट फंदे को सीधा बना लेंगे। अब फिर से हम फंदे को लेंगे पलट लेंगे और पहले हम सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को हम इकट्ठा बनाएंगे, लास्ट के दो स्टिच फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये मैंने अपनी पांचवी सिलाई और सीधी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। छठी सिलाई हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनेगी। जो नंबर सेवन यानी कि सातवीं सिलाई और सीधी सिलाई, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब हमें क्या करना, पहले यहाँ पर एक बार हमने फंदा उल्टा था, अब की बार ये पहला फंदा दो टाइम करेंगे हम, बैक लूप से दो टाइम बनाएंगे, पहले सेकंड फंदे को फिर दोनों फंदों को दो का एक करेंगे एक बार, फिर से करेंगे इस तरह से, हम पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे और फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। अब हमें इसे आगे से एक टाइम ही करना है, यहाँ पर हम आगे से फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे, फिर फर्स्ट वाले फंदे को बनाएंगे। अब हमें फिर से फंदा पलटेंगे और पहले सेकंड वाले फंदे को बनाएंगे, ये हमें चार टाइम करना है। अब फिर से एक टाइम फंदे को पलटा सीधा किया, सेकंड फंदा बुना, फिर से दोनों फंदों को इकट्ठा बुना दो टाइम, फिर से फंदा पलटा सीधा किया, पहले सेकंड फंदे को फिर दोनों फंदों को इकट्ठा तीन टाइम, फिर से फंदा पलटा पहले सेकंड फंदे को बनाया, फिर दोनों को इकट्ठा बना लिया, ये चार टाइम। ये इन फाइव फंदों को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक मेरा एक डिज़ाइन है। अब फिर से दो का एक करेंगे आगे से, फ्रंट लूप से हम इस तरह से दो का एक करेंगे, आगे से हमने एक टाइम करना है और बैक लूप से हमने सातवीं सिलाई में चार टाइम करना है। ये एक टाइम बैक लूप से, फिर से फंदा पलटेंगे, पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा बुनाएंगे दो, फिर से फंदा पलटेंगे, पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे और फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे तीन टाइम, फंदे को पलटेंगे या सीधा बनाएंगे, सेकंड फंदे को दोनों को इकट्ठा बनाएंगे। से हम दो का फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे, पहले फिर फ्रंट फंदे को पहले फंदे को
सीधा बुन लेंगे। फिर से हम फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे एक टाइम। फिर से पलटेंगे, सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा बनाएंगे दो बार। फिर से ये सेकंड को बनाएंगे, दोनों को बनाएंगे तीन बार। फंदे को लेंगे, फर्स्ट को पलट लेंगे, पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। ये चार टाइम। फिर आगे से हम इस तरह से फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे, उतारेंगे नहीं, फिर पहले फंदे में से बनाएंगे सीधा। फिर से हम पलटेंगे, पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे। फिर से हम फंदे को पलट के सीधा कर लेंगे, पहले सेकंड फंदे को, फिर दोनों को इकट्ठा बना लेंगे। लास्ट के स्टिच फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये मेरी यहाँ पर सातवीं सिलाई सीधे साइड से बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गई है आठवीं सिलाई। आठवीं सिलाई पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही सिलाई की तरफ। नौवीं सिलाई में थोड़ा सा चेंज होगा, वो किस तरह से होगा मैं आपको बताऊंगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब इस फंदे को लेंगे, पलट लेंगे और बैक लूप से हम सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों को हम इकट्ठा बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये वाली रो और ये वाली यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। ध्यान से देखिए, इन्हें हम आगे से दोनों रो को हम आगे से दो का एक करेंगे, पहले दो का एक करेंगे, फिर फर्स्ट वाले फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहले ये रो इस साइड जा रही थी, अब हमें इस साइड बनानी है। तो ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये वाली इस साइड जाएगी और ये वाली इस साइड जाएगी। तो आप किस तरह से अब बैक लूप से फंदे को, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर फर्स्ट फंदे को और दोनों फंदों में से सॉरी इकट्ठा बुन लेंगे। ये हम अब चार टाइम करेंगे, यानी कि चार रो हमारी इस तरफ जाएंगी। तो सेकंड फंदे को पहले बनाएंगे और अब दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे दो बार। फिर फंदे को पलटेंगे, सीधा करेंगे और पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बना लेंगे तीन बार। फिर से पहले फंदे को पलटेंगे, सीधा करेंगे और पहले जो बैक लूप से सेकंड फंदा है इसे अकेले में अकेला बनाएंगे। इसे हम बिल्कुल ही पहले अकेला बनाएंगे और फिर दोनों फंदों में से इकट्ठा बना लेंगे। अब फिर से हमारी ये रो यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। ध्यान से देखिए, ये वाली रो और ये वाली, इसे हम फ्रंट लूप से दोनों को आगे से दोनों का एक, दो फंदों का एक करेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को एक बार फिर से बनाएंगे। फिर से हम चार टाइम फंदे को पलटेंगे और पहले सेकंड फंदे को, फिर दोनों को इकट्ठा एक बार। फंदा पलटेंगे, सेकंड वाले को, फिर दोनों को इकट्ठा दो बार। फिर से फंदा पलटा, सेकंड फंदा बुना, फिर दोनों को इकट्ठा बुना तीन बार। और फिर से फंदा पलटा, वो पहले सेकंड वाला फंदा बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बनाएंगे चार बार। फिर से हमारी ये रो यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। तो दोनों को फ्रंट लूप से पहले आगे से दो का एक करेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। फिर से चार टाइम हम बैक लूप से बुनेंगे एक बार, ये दो बार। फंदा लिया, पलटा, सेकंड फंदे को बनाएंगे,
फिर दोनों को इकट्ठा बनाएंगे तीन बार, फिर से फंदा लिया पलट लिया सेकंड फंदा बनाया फिर दोनों को इकट्ठा बुना। ये हमने यहाँ पर एक दो तीन चार चार बार, फिर ये वाली रो और ये वाली यहाँ पर इकट्ठी हो रही है तो इसे फ्रंट लूप से हम दो का एक करेंगे, फिर से हम फर्स्ट फंदे में इसे बनाएंगे। अब फिर से फंदा लेंगे पलट लेंगे दो टाइम हम इस तरह से बैक लूप से बुनेंगे, एक टाइम पलटा सेकंड फंदा बनाया दोनों में से इकट्ठा बनाया दो टाइम, लास्ट के दो फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये हमारी नौवीं सिलाई सीधी साइड से बुनकर कंप्लीट है। अब आ गए हैं दसवीं सिलाई को हम उल्टी साइड से, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। ग्यारहवीं सिलाई को फ्रेंड्स ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करके हम दो फंदे पहले सीधे बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स ये रो और ये रो हमारी, ध्यान से देखिए ये वाली और ये वाली इकट्ठी हो रही तो इन्हें सीधा फ्रंट लूप से हम सीधा बुनेंगे दो का एक, फिर फर्स्ट वाले फंदे से बनाएंगे। अब हम फिर से एक बार और हम ऐसे ही फ्रंट लूप से बनाएंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर तीन टाइम, एक बार दो बार तीन बार, फिर से हम फंदे को लेंगे पलट लेंगे पहले सेकंड फंदे को, फिर दोनों फंदों को इकट्ठा बनाएंगे। ये हम तीन टाइम बनाएंगे, एक टाइम दो टाइम बनाया बैक लूप से, अब ये तीन टाइम दोनों को इकट्ठा बनाएंगे। अब फिर से हमारी ये वाली रो और ये वाली इकट्ठी हो रही है यहाँ पर इस तरह से तो फ्रंट लूप से हम दोनों फंदों को इकट्ठा ऐसे बनाएंगे, फिर फर्स्ट फंदे में से बनाएंगे। एक टाइम फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे फ्रंट लूप से बनाएंगे। फ्रंट लूप से हमने यहाँ पर ग्यारहवीं सिलाई में दो बार बनाना और बैक लूप से हमने तीन बार बनाना है। फंदे को पलटा सीधा किया सेकंड फंदे को बुना फिर दोनों को इकट्ठा, एक टाइम बैक लूप से, ये दो टाइम और ये फिर से लास्ट तीन टाइम इस तरह से। फिर से हमारी ये रो और ये रो यहाँ इकट्ठी हो रही था दो का, यहाँ पर आगे से हम फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे फिर फर्स्ट वाले फंदे को बना लेंगे इस तरह से। फिर से लेंगे एक बार और फिर से हम यहाँ आगे से ही फ्रंट लूप से बनाएंगे, दो टाइम बना लिया अब तीन टाइम हम फंदा पलट के बनाएंगे, पहले सेकंड फंदे को फिर दोनों फंदों को बना लेंगे, एक टाइम ये हो गया हमारा दो टाइम और ये हो गया हमारा तीन टाइम। फिर से ये रो और ये रो इकट्ठी हो चुकी हैं तो इन्हें फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे फिर पहले फंदे को एक बार फिर से बनाएंगे, फिर से एक टाइम और हम यहाँ पर फ्रंट लूप से बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर फंदे को लेंगे पलट लेंगे पहले बैक लूप से फिर दोनों को इकट्ठा बनाएंगे। अब तीन फंदे लास्ट के हैं जो इन्हें हम सीधा ही बना लेंगे। ये मैंने अपनी ग्यारहवीं सिलाई को सीधी साइड से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई इसकी बारहवीं सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। बारहवीं सिलाई को फ्रेंड्स हम फिर से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही प्लेन उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। एक बार फिर से बताऊंगी इस डिज़ाइन में सभी उल्टी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही बनाई और सीधी सिलाई की तरफ।
तेरहवीं सिलाई में फ्रेंड्स पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब हम आगे की साइड से ऐसे सिलाई लेंगे, दो का एक फ्रंट फंदे को बुनेंगे इस तरह से, दो बार, एक एक बार और ये दो बार, आगे से दो बार और ये यहाँ पर तीन टाइम, फ्रंट लूप से मैंने तीन बार बनाया है। अब हम इस साइड में बनाएंगे दो बार, पहले हम तीन बार बनाई थी हमने बैक लूप से, अब की बार बनाएंगे दो बार, पहले सेकंड फंदे को फिर दोनों फंदों को एक बार, फिर फंदा पलटा सीधा किया, सेकंड फंदा बनाया, फिर दोनों फंदों में से इकट्ठा बनाया दो बार। अब की बार हमारी ये तीन बार जाएंगी और ये बैक लूप वाली दो बार जाएंगी। अब फ्रंट लूप से हम तीन बार बनाएंगे, दो का एक पहले फंदे को बनाया एक टाइम, ये दो टाइम और ये तीन टाइम। अब हम इस तरह से फंदे को लेंगे, पलटेंगे, पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दो का एक करेंगे, बैक लूप से हम बनाएंगे दो टाइम, पहले सिलाई में हमने तीन टाइम बनाया था, अब की बार ये दो टाइम, फिर से हम ये फ्रंट लूप से तीन टाइम बनाएंगे, एक टाइम और ये दो टाइम और ये यहाँ पर तीन टाइम, फ्रंट लूप से तीन टाइम बनाएंगे, फंदे को लेंगे पलटेंगे, बैक लूप से हम दो टाइम ही बनाएंगे, फंदा लिया पलट लिया, फिर से सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दो का एक करेंगे इस तरह से। ऐसे हम इसे फ्रंट लूप से तीन टाइम बनाएंगे, एक टाइम, यहाँ पर दो टाइम और ये यहाँ पर हमने तीन टाइम फ्रंट लूप से बुन लिया। अब फंदे को लेंगे पलट लेंगे, पहले सेकंड फंदे को फिर हम दोनों में से बनाएंगे, लास्ट के दो स्टिच फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये मैंने अपनी तेरहवीं सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। चौदहवीं सिलाई फिर से फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई को हम प्लेन उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, राइट साइड रो नंबर पंद्रहवीं पर पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हम चार टाइम आगे से बनाएंगे फ्रंट लूप से, दो का एक फर्स्ट फंदा बना, एक टाइम फ्रंट लूप से, दो का एक फ्रंट फंदा दो, यहाँ पर फ्रंट लूप से तीन टाइम और ये चार टाइम, चार टाइम मैंने ये यहाँ पर फ्रंट लूप से बनाया है। एक रो हमारी इस तरफ जाएगी तो फंदे को लिया और सीधा कर लिया। अब हम एक टाइम बनाएंगे हम बैक लूप से, एक टाइम, अब फिर से हम फोर टाइम फ्रंट लूप से बनाएंगे, एक टाइम, आगे से दो का एक, फिर एक बार सीधा, दो बार, ये यहाँ पर तीन बार फ्रंट लूप से और ये चार बार फ्रंट लूप से, फिर से हम फंदे को लेंगे पलट लेंगे, एक बार हम बैक लूप से बनाएंगे। ये मेरी पंद्रहवीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। फिर से चार टाइम हम फ्रंट लूप से बनाएंगे, एक बार, ये यहाँ पर दो बार, ये यहाँ पर
तीन बार और ये फ्रंट लूप से हमने बनाया चार बार। अब हम बैक लूप से फंदे को लेंगे और पलट लेंगे। इसको हम बनाएंगे पंद्रहवीं सिलाई में एक टाइम। फिर से हम आगे से लेंगे फ्रंट लूप से एक बार, ये हम यहाँ से दो बार, यहाँ से हम तीन बार और यहाँ से हम ये लास्ट चार बार। फिर एक टाइम हम बनाएंगे बैक लूप से, फंदे को लिया पलट लिया, सेकंड फंदे को बनाएंगे, फिर दो का इकट्ठा दोनों में से एक बार सीधा बनाएंगे, लास्ट का स्टिच फंदा सीधा। ये मैंने अपनी पंद्रहवीं सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गई इसकी सोलहवीं सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। सिलाई को भी उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन 16 सिलाइयों में बन के कुछ इस तरह से आया है। इन्हीं 16 सिलाइयों को हम रिपीट करेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।